हेलो दोस्तों, मैं अभी आपको इन्वेंट्री दिखा रहा हूँ जो मेरे पास यूनिट अवेलेबल है अभी DS2 में। ठीक है, तो मैं वहीं पर आया हूँ। देखिए काम का अपडेट कितनी तेज़ी से हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। तो ये बाउंड्री वॉल हमारी अप्रॉक्सीमेटली देखिए कंप्लीट हो रही है, बस लास्ट ये बचा हुआ है। देखिए काम चल रहा है। ठीक है, बस यहाँ तक अपडेट हो जाएगा पूरा। ये हमारा फर्स्ट रास्ता है, फिर सेकेंड है, थर्ड है, तीनों से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल जैसे हमारी कंप्लीट हो जाएगी पूरी, उसके बाद हम इसको गेट को खोल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये रोडें डेवलप हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अभी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, तो जब से हमने वीडियो बनाया था तब से काफ़ी तेज़ी से सोल्ड आउट हो गए। अभी हमारे पास जो अवेलेबल है मैं वहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ, क्योंकि यूनिट अब ज़्यादा बची नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जिन्होंने भी DS2 देख रखा है या जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा हुआ है, अगर उन्होंने कुछ प्लान भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्विक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं काम अपडेट कितनी तेज़ी से हो रहा है हमारा। ठीक है, ये 10 फीट की बाउंड्री बनेगी पूरी, आप देख रहे हैं कॉलम खड़े हुए हैं पूरे। ठीक है, तो अभी मैं ये सेकंड रास्ते पे हूँ। ठीक है, देखिए ये सेकंड एंट्री है। तो यहाँ पे मैं बता दूँगा आपको जो अवेलेबल है हमारे पास लेआउट के हिसाब से, तो यहाँ पे ये वाला प्लॉट एक खाली है 800, इसका साइज जो है 800 है, 805 स्क्वायर फीट। ये यहाँ लास्ट में डेड एंड पे होगा। ठीक है, देखिए कस्टमर भी आ रहे हैं देखने के लिए, तो डेड एंड पे होगा ये। इसमें मैं लक्ष्य में दिखा दूँगा आपको। हाय दोस्तों, तो हम सेकेंड रोड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारा डेड एंड रोड का एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये रोड रहेगी पूरी। तो यहाँ पे एक हमारा जो मार्क किया हुआ है ये 805 साइज का है, ईस्ट फेसिंग में है, और मैं नक्शे में भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से है, ये गार्ड साहब ये एंट्री करेंगे यहाँ से जहाँ रोड लिखा हुआ है 40 फीट का। ये सेकेंड एंट्री हमने कर दी राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में सेकेंड जो 22 फीट रोड है, ये लास्ट में देखिए 13 नंबर जो प्लॉट आ रहा है, 13 नंबर प्लॉट है, 23 इसका फ्रंट रहेगा। ठीक है, 13 नंबर जो प्लॉट है ये खाली है अभी, तो इसका 805 साइज़ है ईस्ट फेसिंग में, तो ये अभी खाली है ईस्ट फेसिंग में, ये खाली है। और इसके उधर जो 20 नंबर दिख रहा है आपको वो भी 805 है, ये दोनों खाली हैं। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज करके भी ले सकता है या जितना बजट हो उस हिसाब से 805 ईस्ट और वेस्ट दोनों में, ये 805 वाले दोनों यूनिट खाली हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एक ये यूनिट हो गई। ठीक है, तो 805 वाली जो है एक ये यूनिट है, एक वहाँ पे यूनिट है। तो मैं चल के ही दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे एंड हो गया। अब हम तीसरी रोड पे जा रहे हैं, तो ये बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, इसका 30 फ्रंट रहेगा, यहाँ तक रहेगा ये। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, देखिए ये निशान लगा हुआ है, तो ये जो है पूरा लास्ट तक आपका प्लॉट रहेगा यहाँ से, वहाँ से लेके। ठीक है, इधर 805 है और इधर भी 805 है। अब मैं तीसरी रोड पर पहुँच रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए अब हम तीसरी रोड पे आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये देखिए ये मकान बने हुए, बस यहाँ से काम चल रहा है, ये रोड का डेवलपमेंट हो जाएगा। और अब मैं आ गया वेस्ट फेसिंग, जो 805 वाला उधर दिखाया था, और एक ये 805 वाला ये 20 नंबर। ठीक है, तो ये भी खाली है, यहाँ पे बाउंड्री वॉल हो जाएगी। ये दो यूनिट खाली हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर खड़ा हूँ मैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, 700 साइज खाली, 805 दो खाली हैं और 705 में प्रेजेंट में आज तारीख है 18 तारीख है, 18 मार्च। ठीक है, तो अभी की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो अवेलेबल है, मैं आपको देखें नक्शे में दिखाता हूँ फिर से। तो ये 40 फीट का रास्ता ही एंट्री करी हमने गार्ड के पास से, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड रो में राइट में जाएंगे तो ये देखिए 22 फीट का रास्ता दिख रहा है आपको। इसमें हमारे पास 23 नंबर खाली है अभी, और 19 नंबर खाली है। 19 नंबर जो वेस्ट फेसिंग है और 23 नंबर जो ईस्ट फेसिंग है, बिल्कुल यहीं पर मैं खड़ा हूँ अभी। ठीक है, 23 नंबर 700 वाला साइज़ है और ये 19 नंबर भी 700 वाला है। ठीक है, तो ईस्ट फेसिंग में एक है 23 नंबर और 19 नंबर जो है ये वेस्ट फेसिंग में है, और 23 नंबर वाली लोकेशन ये है। देखिए 23 नंबर वाली ये लोकेशन है। ठीक है, देखिए ये कॉलम भी खड़े हो गए यहाँ पे, जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखिए बाउंड्री वॉल बन गई है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो रहा है, देखिए इस तरीके से ये पूरी बाउंड्री वॉल वहाँ तक बन रही है, तो ये बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे कॉलम भी खड़े हो गए, तो यहाँ पे अगर कोई लेना चाहता तो ईस्ट फेसिंग में 23 नंबर खाली है इस वाली रो में, और जो 19 नंबर मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये रोड आई है। ठीक है, ये रोड आती है ऐसे, उसके बाद सबसे लास्ट वाला ये 805 खाली है, ये वाला वेस्ट फेसिंग में, और उसके बगल में ये वाला जो 19 नंबर है। ठीक है, ये वाला 19 नंबर है और एक ये वाला 20 नंबर है।
यानी कि ये वाला जो है 19 नंबर और ये वाला 20 नंबर, ये दो खाली हैं, एक 700 साइज है और एक जो है 805 है। उसके बाद रोड से हम ऐसे आते हैं तो एक यहाँ पे 23 नंबर खाली है, ईस्ट फेसिंग है, तो 700 इसका साइज़ है और 700 इसका साइज़ है, इसका 805। तो टोटल यहाँ पे 4 यूनिट अब हमारे पास बची हैं। अगर मैंने पहले वीडियो बनाया था तो काफ़ी वीडियो इन्वेंट्री थी, बट अभी जैसे जैसे हर रोज़ बुकिंग होती जा रही है, तो अगर जिसका मन है, जिन्होंने भी DS2 देख रखा है साइट, ठीक है, तो प्लान करें जल्दी ही और यहाँ पे अपना प्लॉट मकान बुक कराएं, ठीक है। तो 3650 का रेट चल रहा है अभी, ठीक है। तो अगर 700 वाला लेते हैं तो 25,55,000 का आपको पड़ता है वो BSP प्राइस, बाकी डिस्काउंट सॉरी जो रजिस्ट्री GST होती है वो उसके अलावा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी देख रहे हैं तो अगर प्लान है तो जल्दी से कोशिश करें, क्योंकि इन्वेंट्री बिल्कुल लास्ट चल रही है, और जो हमारे बड़े साइज हैं जो फेज़ 2 में हैं वहाँ पर भी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है। तो जिन्होंने भी वीडियो देखा या प्लान करें तो थोड़ा क्विक करना है अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, 600 वाली भी कम है। अभी मैं वहाँ पर चल के वीडियो दिखा देता हूँ आपको 600 में हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का फेज़ है तो यहाँ पर बहुत जल्दी शोल्ड हो गया जो।